भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंटों ने सोमवार को देश भर में एजेंट दिवस को विश्राम दिवस के तौर पर मनाया और काम बंद करके अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आजमगढ़ में भी LIC दफ्तर के बाहर एजेंटों ने धरना लगाया। एजेंटों का कहना है कि निगम की नीतियों के कारण एजेंट और पॉलिसी धारकों पर बोझ बढ़ा है, जिसमें निम्न ब्याज दर और बोनस में कटौती शामिल है। अभिकर्ता संघ के अध्यक्ष RP राय ने बताया कि 7 सितंबर तक सभी एजेंट अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। अगर उनकी मांगों पर विचार न किया गया तो आने वाले दिनों में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक मांगों का हल नहीं निकलता, उनका संघर्ष इसी प्रकार जारी रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट। ये आज का जो हम लोगों का धरना प्रदर्शन था, वो ऑल इंडिया ज्वाइंट कमीशन कमेटी के आह्वान पर किया गया। उनके आह्वान ये था, और उसमें बहुत सारे हमारे जो बीमा धारक हैं उनके हितों को देखते हुए ये हम लोग जो है धरना प्रदर्शन आज किए हैं, क्योंकि जो सारे जो उनसे देनदारी लेनदारियां हैं वो नहीं कम कर रहे हैं, लेकिन उनको जो देना है बोनस देना है उसको वो कम करना चाह रहे हैं, जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे पॉलिसी होल्डर का, हमारे बीमा धारकों का कोई किसी भी प्रकार का नुकसान कर सके। और साथ ही साथ उसके साथ हम लोग अपने लिए भी ये कह रहे हैं कि आज तक 1956 से आज तक हर विभाग का सब कुछ बढ़ा, लेकिन LIC एजेंट का एक रुपया कहीं से कुछ भी नहीं बढ़ा, बल्कि उस पर भी जो मिल रहा है उस पर भी कैंची चलाने की कोशिश हो रही। तो इस प्रकार के अन्याय को हम लोग नहीं सहेंगे, और इस अन्याय के विरुद्ध ही ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। और ये आज तो एक दिन का विश्राम दिवस था, ये आगे और चलता रहेगा। आगे जब जब जैसी आवश्यकता पड़ेगी, अगर वो माने गए तो ठीक, नहीं माने तो हर हालत में ये आगे और बढ़ता रहेगा।